तो हेलो मेरे बजूर भाई, कैसे हो सर? आ चुका एक और अनदर गेम प्ले के साथ। तो भाई लोग क्या हाल चाल? तो भाई लोग आप लोगों को क्या चल रहा है अभी तक रैंक की हालत, और क्या मिल रहा है हैकर, कितने आ रहे हैं टीम अप और कितने एक साथ आ रहे हैं हैकर्स? क्योंकि भाई मेरे इस मैच की पहले वाले मैच में आ चुका था एक साथ दो दो हैकर, जो इन गेम बैन हो चुका था, और एक और हैकर था जो मेरे को मार दिया। मतलब एक ही मैच में तीन हैकर आया। अभी तो फिलहाल मैं एक गेम प्ले कर रहा हूँ, और इधर भी लास्ट में एक हैकर टाइप, मतलब वो हैकर ही था मेरे ख्याल से, पोजीशन वजीशन सब पता था, तो लास्ट में जाके आप लोग देख ही पाओगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ इस गेम में रोजोक की तरफ, और रोजोक में जाके फिलहाल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई लोग इधर आ चुका था मैं रोजोक, और रोजोक आने के बाद मेरे को एकदम AMP और AK मिल गया। फिलहाल आ चुका है एक बॉट चचा, तो इनको बहुत पैर से मारते हैं, तो बॉट को एक झटके में मार दिया। अभी जोन कहाँ बने? मिलिट्री बेस के ऊपर, मतलब उस साइड जोन बन गया। अभी उस साइड जाना होगा, लेकिन मेरे को ना फाइव की गन ही नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ EMP से ही ब्रिज कैंप तोड़ता हूँ। और भाई कसम से उस बंदे को पता भी नहीं चला कि मैंने उसको मार रहा था, वो बंदा मेरी पोजिशन ही नहीं ढूंढ पाता। आगे आगे देखते जाओ कैसे नहीं ढूंढ पाता। तो भाई मैं इधर से रोजोक से निकल नहीं पा रहा था कि हमारे सामने एक और आ चुका है बॉट चिच्चा। अब ये चिच्चा तो भाग रहा था, तो इनको भागते भागते ही पेटी में पहुंचा दिया। अभी जाऊंगा उस तरफ, उस तरफ जाने के लिए भाई मतलब बहुत घूम घाम के जाना पड़ता है, मतलब बहुत ही गोलीबारी का सामना करना पड़ता है। आगे आगे देखो भाई, और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखते रहो फुल वीडियो, क्योंकि आगे बहुत ही फाइट होने वाला है, मतलब बहुत बंदों के साथ क्लोज इनकाउंटर भी होगा। और आगे आगे देखो, ब्रिज कैंप भी तोड़ने वाला हूँ मैं, मतलब ब्रिज के ऊपर से नहीं, थोड़ा घूम के थोड़ा रोटेट मार के। फिलहाल तो जाता हूँ मैं ब्रिज की तरफ सीधा। तो भाई अगर बेस में पड़े जोन तो करो अकल का इस्तेमाल, सीधा उठाओ बोट और आ जाओ इस तरफ, कोई रिस्क नहीं होने वाला। नहीं तो भाई अगर ब्रिज से जाओगे तो बंदा एक स्प्रे और तुम एकदम डिब्बे के अंदर, तो फालतू का लफड़े मत लो, सीधा बोट लो और इधर आ जाओ। अभी तो इस तरफ भी बंदा मतलब कैम कर रहा है ब्रिज, मैं जाता हूँ 6x विथ EMP लेके, तो EMP से उसको मारता हूँ सप्रेसर लगा के, तो बंदा मेरे को ढूंढ ही नहीं पाता। अभी देखते जाओ आगे उस बंदे का हालात ही क्या होता है। तो भाई बंदा हुआ इधर मेरे से स्पॉट, और अभी देता हूँ उसको करंट की शॉक। बेचारा उधर पड़ा हुआ लाचार बनके, और हमने इधर से 6x विथ EMP और सप्रेसर लगा के मार ही देता हूँ। तो भाई EMP का अभी तो ऐसा ही सीन होता है कि 50 मीटर का बाहर से अगर सप्रेसर लगा के मारोगे तो बंदे को पोजीशन नहीं पता होगा, और 100 मीटर की दूरी से मारोगे तो बंदे को साउंड तक नहीं आएगा। तो हमने इसी फायदा लिया और बंदे को एकदम मस्त मक्खन जैसा मार दिया, बंदा एकदम अंधा बन के पड़ा हुआ था। तो अभी उसके डिब्बे से उठाता हूँ M4 और देता हूँ जो ब्रिज से आता है उनको, बनाता हूँ डिब्बा। तो भाई ब्रिज में बहुत देर तक होल्ड करने के बाद आया एक बागी, तो हमने उसका बना दिया छवि। फिर भी वो बच निकलने ही वाला था, लेकिन हमने उसका काम ही बिगाड़ दिया एकदम। AKM लेके 6x लगा हुआ था, इस वजह से पहले बच गया था। तो पीछे से एक बंदा आ गया, और वो बंदा कतई बहुत जहर मार रहा था, बैरल लेके एक टक टक करके पूरा हेड दे रहा था। अभी मैं पीक करूँगा, मेरा टकला ही उड़ा देगा। फिलहाल तो इधर से एक बागी बच जाता है, लेकिन वो बंदा नहीं छोड़ता, देखना टक टक करके वो किल ले लेता है। हाँ भाई वो टक टक करता है और बंदा मर जाता है, पता नहीं क्या ही सीन होता है उसके साथ। तो भाई बंदा कुछ जहर ही मार रहा है, जैसे ही मुंडी निकालो टकला ही फोड़ रहा है। तो भाई अभी क्या करता हूँ कि उसको उसकी तरफ पीक ही नहीं करता हूँ, लेकिन बंदे ने उसी टाइम दो और बंदे को मार देता है दो बुलेट में, मतलब दो गोली मारता है दो बंदा निपट जाता है, मतलब सीधा हेड, वो भी टैप टैप करके। भाई क्या ही सीन है। तो भाई इसके हाथ में नहीं देना था हमें जान, तो मैं करता हूँ इधर स्मोक और बागी लेता हूँ और निकल लेता हूँ इधर से फटाफट। तो भाई लोग उधर से किसी तरह अपनी जान बचाते हुए इधर आया बेस की ओर, और बेस की ओर आते ही इधर थोड़ा बूस्ट वूस्ट करके फिर निकल लेते एकदम बेस की तरफ, क्योंकि नहीं होता इधर जोन, पूरा जोन बन जाता है बेस के अंदर। हम भी जाते हैं बेस के अंदर और जाके थोड़ा तहलका मचाते। तो भाई जैसे ही बेस के अंदर घुसा तो देखा भाई सी बिल्डिंग है पहले से ही बुकिंग। तो हम क्या करते हैं उधर से किसी तरह अपनी जान बचाते हुए आता हूँ इस तरफ, और इस तरफ आने के बाद भी कोई बंदा मेरे को ठोकने के में चालू है। तो अभी किसी तरह जान बचाते बचाते इधर आ चुका हूँ, सेव हो चुका हूँ थोड़ा सा। अभी इधर देखता हूँ कि कोई छुप कर बैठा है कि नहीं।
लेकिन भाई इधर कोई भी नहीं था, तो ये पूरा बिल्डिंग मेरे लिए ही था क्योंकि मैंने पहले से बुकिंग करके रखा था। तो कोई नहीं है इधर, अभी आजू बाजू में दो तीन बंदा आएगा तो उनको मारते, अभी देखते जाओ आगे उन लोगों को कैसे ही मारता हूँ मैं। तो भाई लोग अभी इस साइड से आया है बागी का साउंड, और जैसे ही जाता हूँ तो देखता हूँ कोई रेंगता हुआ बागी के नीचे से जा रहा है। तो भाई इसका क्या ही सीन होता है देखो। भाई इसका कोई सीन नहीं होता, इसका हो जाता है एकदम दी एंड, मतलब कि एकदम डिब्बे के अंदर मिलो एकदम लॉबी के बाहर। तो भाई इसके साथ तो सीन ख़त्म हो गया। तो अभी क्या करता हूँ, बंदे का ढूंढने का ट्राई करता हूँ, मतलब इधर आजू बाजू में बहुत सारे बंदे पड़ा हुआ है, आज साइड में बहुत फाइट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आजू बाजू देखना चालू करता हूँ और कोई बंदा स्पॉट होने का ट्राई करता हूँ। तो भाई लोग जोन गिर गया मेरे साइड। अभी क्या सीन होता है कि सारे सी बिल्डिंग वाले निकल के इधर को साइड आने आएगा, ये बागी वाला भी इधर साइड को आ रहा था, तो ये बागी से आ रहा था तो एक हेड खाया और भाई बंदा नहीं मार पाया। तो इधर इसको उस साइड में जैसे ही जाता है तो बंदे के साथ फाइट हो जाता है, तो एक बंदा M249 से उसको भर देता है। अभी क्या करता हूँ, उस बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा स्पॉट ही नहीं होता बहुत देर तक। लेकिन भाई यही तो वो बंदा है जो आखिरी में मेरे को तंग करके एकदम सता देगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको स्पॉट नहीं कर पाया तो इधर को साइड एक और बंदा है जिसको मैं स्पॉट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आजू बाजू में भाई लोग बहुत चल रहे हैं गोला बारूद, और साइड में पड़ा हुआ है एक सांप, तो उसको कैसे बीन बजा के उठाता हूँ देखना। भाई इस बंदे को क्या ही मस्त लेटा था, एकदम देखने का दिल कर रहा था कि कुछ देर और देखूं, लेकिन दिमाग में आया कि भाई कर रहा है तू रैंक पुश और किल मिलेगा तो ज़्यादा प्लस होगा। तो मैं क्या किया, उसको सीधा डिब्बे के अंदर भर दिया। अभी आजू बाजू में एक और बंदा आ जाता है तो उसको मैं स्पॉट नहीं कर पाता हूँ, फिलहाल इस वॉरिकट मतलब इस नेट के उस साइड है तो उसको मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ। तो क्या करता हूँ, अभी देखते जाओ आगे आगे और भी दो तीन बंदा आ जाता है मेरे सामने। तो भाई इधर वो M249 वाला अगर मर जाता है, वो मैंने स्पॉट कर लिया था, अगर ये बंदा मर जाता तो हाथ में चिकन पक्का था। लेकिन इसको मारने के चक्कर में अभी मैं इधर ही निपट जाता था, ये DP लेके बहुत ही जहर वाला मार दिया। तो भाई ये M249 वाले को मेरे को नहीं मारने दिया, तो ये बंदा M249 वाले से ही मर जाता है। तो मैं इसको फिर से स्पॉट करने के लिए आता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे से स्पॉट ही नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, भाड़ में जाए तू मर जाए इसके हाथों में ही, तो मैंने ये सोच के उसको छोड़ दिया, तो वो उसके हाथे ही मर जाता है। अभी देखते जाओ आगे आगे वो M249 वाला बंदा आता है और सबको वो ही मार देता है। तो ये इधर DP वाले का कहानी ख़त्म कर दिया। भाई उस टाइम पे मेरे को अगर मारने दे देता तो वो बंदा मर जाता और ये बंदा भी बच जाता। तो भाई वो M249 वाला इसको भर देता है और आगे बच रहा है सिर्फ और सिर्फ चार बंदे। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आ जाता हूँ, और इधर आने के बाद मेरे हाथ पे जोन नहीं था तो उस साइड जोन बन जाता है, और ये M249 वाला इसको ठोक देता है, मतलब किसी और भी उसके साइड पे पड़ा हुआ था उसको ठोकने के बाद मैं उसके साथ फाइट लेता हूँ। देखो क्या सीन होता है। तो भाई इधर ही पड़ा हुआ था किसी कोने में, तो मैं क्या करता हूँ, धड़ाधड़ मॉली नेट ये सब करना चालू कर देता हूँ, लेकिन ये बंदे को कुछ नहीं होता। और जिस बंदे ने मॉली से नेट से नहीं मरना, वो बंदा कहाँ से रोटेट बटन मार के इस तरफ चला जाता है, तो इस बंदे ने मेरे को मार देता है। तो अभी देखो ये मेरे को कैसे मार देता है, और फिलहाल इस बंदे को वो चिकन कैसे मिलता है वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल तो मेरे को मारता है कैसे वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। भाई M249 वर्सेस AKM, भाई क्या ही जहर वाला। तो भाई बंदे ने इस इधर मेरे को भर देता है एकदम फुल M249, एकदम मस्त एकदम भर देता है मेरे को एकदम, जितना हो सके 100 गोली 100 नहीं मारा 220-230 गोली में मैं निपट जाता हूँ। तो बंदे के KD देख सकते हो भाई, जहर वाला KD, और मैच देख सकते हो 104 मैच में क्राउन 3 करके रखा है। लेकिन भाई इस बंदे को उस बंदे का पोजीशन कैसे पता, मेरे को पूरे मैच में पता नहीं चला। ये बंदा उस बंदे ने ना गोली चलाया ना कुछ भी नहीं चलाया, इस कोने में जाके चुपचाप बैठा है, लेकिन इस बंदे को वो उस बंदे का लोकेशन पता होता है। तो भाई मेरे को गड़बड़ इधर ही लगता है, ये धड़ाधड़ मॉली वॉली करना चालू कर देता है, नेट वेट करना चालू कर देता है। मतलब इस बंदे का लोकेशन कैसे पता चल जाता है भाई, ये बंदे ने ना गोली चलाया ना कुछ भी चलाया,
इधर ही बैठा है पूरा, मतलब जोन के एंड तक इधर ही बैठा है, देखना किसी कोने में जाके चुपके से एक कोने में बैठा है, फिर भी ये बंदा जाके पुश करके मार देता है। तो भाई इस बंदे को कैसे पोजीशन पता मेरे को नहीं पता, इस बंदे ने जाके उसको गोली रिलोड करके उसको मार जाता है। तो भाई यही था आज के गेम प्ले, और गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले गेम प्ले में, बाय बाय।